फरीदाबाद को भले ही स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन फरीदाबाद की कॉलोनियों में लगी स्ट्रीट लाइटें लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। करीब 24 लाख की आबादी वाले फरीदाबाद शहर में 100 से भी ज़्यादा कॉलोनियां और बस्तियां हैं। इन कॉलोनियों के रास्तों को जगमग रखने की जिम्मेदारी नगर निगम फरीदाबाद के कंधों पर है। कहने को तो नगर निगम फरीदाबाद की तरफ से करीब 80,000 लाइटें फरीदाबाद में लगाई गई हैं और दावा किया जाता है कि शहर में पर्याप्त मात्रा में ये लाइट लगाई हुई हैं, जो रात के समय रास्तों पर उजाला देती हैं। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फरीदाबाद की कॉलोनियों में लगी लाइटों में आधी से ज़्यादा लाइट हर समय बंद पड़ी रहती हैं और इनके बंद होने का सबसे बड़ा कारण है मेंटेनेंस की कमी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत देने के बाद भी लाइटों को ठीक नहीं करवाया जाता। बताए तो देखेंगे कि जो लाइटें लगी हुई हैं वो ज़्यादा ना ठीक नहीं है। मान लो अगर एक गली में अगर 8 लाइटें लगी हैं, उसमें 2 या 3 चलती है, बाकी सब तो खराब पड़ी हैं। कहीं से तार टूटे हुए हैं, कहीं से उनका उनका जो मेन जो बॉक्स होता है बिजली पावर देने का वो ही नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है। प्रशासन तो कहता है सारी लाइटें चालू हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जगमग है फरीदाबाद। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम सेक्टर 16-17 वाली रोड पे जाते हैं, सीधा रोड है ये, इसमें करीब ना 15 स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, उनमें से मुश्किल से 4 चलती हैं, बाकी सब बंद है, ऐसे ही बेकार है। नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों की माने तो प्रत्येक वार्ड में सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोई भी खराब लाइट की शिकायत दे सकता है और 72 घंटे के अंदर खराब लाइट को ठीक करने का दावा किया जाता है। इसके अलावा नगर निगम फरीदाबाद के ऐप पर जाकर भी शिकायत दी जा सकती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। लाइट खराब होने के लिए शिकायत करने के लिए वार्ड में किसी प्रकार का कोई सेंटर नहीं है और स्थानीय पार्षद को शिकायत करने के बाद भी लाइट ठीक नहीं करवाई जाती। हमारी कॉलोनी की अगर हम बात करें तो हमारी कॉलोनी में ज़्यादातर जो लाइटें हैं वो CFL की लगाई गई हैं और लाइटें अधिकतर खराब पड़ी रहती हैं। जब इसके बारे में जो प्रतिनिधि हमारे उनसे शिकायत करते हैं तो कहते हैं भी हमने अधिकारी को बोल दिया है, जो कर्मचारी हैं वो जल्दी ठीक कर जाएंगे। ऐसे करते हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक का समय निकल जाता है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती है। स्ट्रीट लाइटों की देखभाल का जिम्मा नगर निगम फरीदाबाद के इलेक्ट्रीशियन विभाग के पास होता है। जब विभाग के एक्सीएन ज्ञान प्रकाश से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको कोई भी ऑफिशियल बयान देने के लिए ऊपर से इजाज़त नहीं है, लेकिन तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से अधिकारियों की लापरवाही के कारण लाखों रुपये से लगाई गई ये स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा कॉलोनियों और बस्तियों में लगी स्ट्रीट लाइटों पर हर साल लाखों रुपए का बजट इसलिए खर्च किया जाता है कि वो लाइटें जगमगाती रहें, गलियों में रोशनी रहे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहीं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण आज आधे से ज़्यादा जो लाइटें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। हम इस समय सेक्टर 17 में हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्ट्रीट लाइट का एक बॉक्स है जहाँ से जो है लाइट का संचालन होता है, लाइट ये बंद पड़ी रहती है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरा जो डब्बा है वो गल चुका है, तारे गल चुके हैं, वो बेकार हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी जगह जो बड़ा ट्रांसफ़र जो रखा जाता है जिससे जो पोल हैं वहाँ पर आवागमन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, पूरी तरह से गल चुका है, कोई रखरखाव नहीं है, मकड़ियों के जाले इसमें पड़े हुए हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अधिकारी ये बात कहते हैं कि लाखों रुपए का बजट पास करके हम लोग रिपेयर कराते हैं, मेंटेनेंस समय समय पर कराते हैं, किस तरह का मेंटेनेंस कराया जा रहा है। हर साल नगर निगम लाखों रुपए का टेंडर अलॉट करती है इन स्ट्रीट लाइटों के मेंटेनेंस को लेकर। कहा जाता है कि 72 घंटे का जो टाइम है वो होता है, 72 घंटे के अंदर शिकायत के बाद जो लाइटें हैं वो मेंटेनेंस करा दी जाती हैं, चालू करा दी जाती हैं। फरीदाबाद में इस समय 80,000 लाइटें जो हैं नगर निगम फरीदाबाद के पास हैं, लेकिन हालात जिस तरह से लगते हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आधे से भी ज़्यादा जो लाइटें हैं वो बदहाली अवस्था में हैं, बंद पड़ी हुई हैं, जिनका कोई फ़ायदा शहर के लोगों को नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये लाइटें बंद हैं तो लाखों रुपये का जो बजट है वो मेंटेनेंस के नाम पर कहाँ पर खर्च हो रहा है। फरीदाबाद से ईटी भारत के लिए मैं रुस्तम जाखड़।